दोस्तों नमस्कार, मोरना में हम मौजूद हैं। जैन चौधरी जी भी यहाँ पर आने वाले हैं हमारे साथ। जाट समुदाय से लोग इनसे बातचीत करेंगे, ये क्या सोचते हैं, क्या जैन चौधरी के आने के बाद यहाँ का माहौल बदलेगा। तो चलिए बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा अब्बा? दरियाव सिंह। क्या लग रहा है, जैसे जैन चौधरी जी आज यहाँ पर आ रहे तो लग रहा है कुछ माहौल बदल जाएगा? नहीं, माहौल नहीं बदलने का। मुसलमान ज्यादा होंगे, जाट कम आओगे, और जो जाट प्रशांत के ला रहे हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है मुकाबला कैसा दिखाई दे रहा है? मुकाबला तो प्रशांत का ज्यादा है, पर कह रहे थे कि कैंडिडेट बाहर से ला दिया। कहाँ से ला दिया? कुछ नहीं होता, समझा दिया लोगों को। से कुछ नहीं मतलब हमारा यार, हम मतलब अब्बा दिखाई दे रहा योगी, ठीक है। हाँ, योगी के वोट दी जा रही है। और जैन चौधरी आ रहे, वो भी चौधरी है। अरे तो चौधरी तो क्या बात होगी, चौधरी तो चौधरी सभी है, हम भी चौधरी अपने करके, हम भी चौधरी है, हाँ वे भी चौधरी है। तो उन्हें क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे आप? हम तो अब योगी और मोदी है हमारे तो फेवरेट, उनको सपोर्ट होगी भाई खुद को। हाँ, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है जाटों पर राजनीति हो रही है कि भाई जाट तो आरएलडी के साथ में, राजनीति से मतलब नहीं, हम हमारा जो है बहुत बढ़िया चल रहा है, हिसाब किताब 5 साल से देख रहे हैं हम तो प्रदेश को पड़े। हाँ, तो क्या लग रहा है चुनाव है किस मुद्दे पर है अब की बार चुनाव? मुद्दा तो कुछ नहीं, सारे मुद्दा तो खत्म ही हो लिया, मुद्दों का वो कहा जा रहा, विकास भी हो रहा, और भाई सबसे बड़ी बात है सुरक्षा है। हाँ, अखिलेश के साथ में गठबंधन भी है। गठबंधन तो पहले भी है नहीं, मायावती का भी गठबंधन था, फिर देखा आपने? वे भी देखे होंगे भाई साहब, गठबंधन तो तीनों चारों के गठबंधन थे, जब कहाँ गए थे? जैन चौधरी के साथ क्यों नहीं जाना चाहते है बताओ? अरे जैन चौधरी हमारे साथ आ गए तो हम भी तो जब ही जाएंगे। तेरा में देखा आपने? हाँ, तेरा में देखा होगा, हमारे साथ आता हम साथ रहते। हाँ, क्या लग रहा है जी क्यों नहीं गए वहाँ पे? वहाँ पे तो कह रहे कहला जाट साथ में आ गए, मुसलमान साथ में आ गए, आप यहाँ खड़े। नहीं, जाट को तो राजनीति का शिकार करा जा रहा, कठपुतली बढ़ाया जा रहा, कभी जयंत का नाम लेगा, पहला जीत का लेगा, कभी टिकैत का लेगा, यही राजनीति चल रही है इनकी। अब अखिलेश साथ में जोड़ लिया, अखिलेश तो पहले से जाटों का इलाज करवाता है, अखिलेश के बाप ने कुछ नहीं दिया तो अखिलेश कहाँ से दे देगा? अखिलेश ने अजीत सिंह को खत्म कर दिया था, अब राजा बचरा भरा जयंत, हमारा जयंत खत्म कर देगा। तो जैसा अखिलेश जयंत के साथ में चले गए, आप नहीं जा रहे उनके साथ में? नहीं, सम्मान है हमारी नजरों में सम्मान है, पर भाई हम जो है कठपुतली बनने के लिए नहीं है, हम कठपुतली बनकर अगर हमारा जयंत चला गया तो हम भी उसके साथ साथ कठपुतली बनकर चले जाएंगे। अखिलेश यादव तो कह रहे जाट हमारे साथ मांगे, मुसलमान हमारे साथ मांगे, ठीक है वो उनका भरा में लिखट जाएगा, 10 तारीख में लिखट जाएगा। तो क्या लग रहा है अगर मीरापुर की बात करी जाए, पहले विरोध हो रहा था कि भाई कैंडिडेट बाहर से लाके खड़ा कर दिया, तो क्या लग रहा है मुकाबला आएगा कुछ यहाँ पे? देखो इस समय सबसे पहले तो आदमी को क्षेत्र का ही कैंडिडेट चाहिए, और जब उन बाबा योगी को यहाँ से कैंडिडेट बढ़िया यो दिखाई दिया तो हम उसी का सम्मान कर रहे हैं। तो वोट कैंडिडेट को है या योगी को है? भाई वोट है योगी को। कह रहे किसानों के लिए काम नहीं किया सरकार ने, भाई मेरे विचार से इतना काम शायद जमीन पर से उठा के किसी ने ना करा हो जितना बीजेपी ने कर दिया। MSP कहाँ से कहाँ ले गए, MSP दुगने कर दिए सब चीज के, क्या कारण है वोट देने का? वोट देने का कारण है मुझे तो बता दो, आज जाट इसके साथ जा रहा, नाम मात्र का जाट जा रहा, मुझे यो बता दो आज तक किसी सरकार ने जाट से माफी मांगी है क्या? मोदी ने, योगी ने जाट से माफी भी मांग ली, अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, जो गलत काम उन्हें दिखाई दे रहा था हम जा नहीं सके, बिल वापस ले लिया, इन्हें सिर पर धर लिया, सम्मान दे दिया, उसकी यही गलती क्या? लेकिन भीड़ हो रही काफी वहां पे, काफी लोग आ रहे आज भी, ये अति के दांत दिखाने के हो रहे, खाने के हो रहे, खाने के मंदिर ले रहे, दिखाने के वाजी दे रहे। तो क्या लग रहा है भीड़ वोट नहीं देवा क्या? नहीं, भीड़ तो पहले चलो राकेश टिकैत ने एक पार्टी बनाई थी तो मेरे विचार से शायद इतनी भीड़ ना बटली कर पाता हो, तो जितनी टिकैत कर पाओ था वोट तो डाइल कर रही। और जिस तरीके से कह रहे भाई किसान भी साथ में आ गया, भाजपा को वोट नहीं दे, जाट भी साथ में आ गया, मुस्लिम भी साथ में आ गया, तीनों का गणित बिड़ाया जा रहा, भाई इस हिसाब से किसान तो मान के चल रहे है जाट को, किसान सारी बिरादरी पर जाट को मान के चल रहे, और यही है इन्हें कठपुतली बनागा, रुके तार का हुआ बनागा, अगर मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ, कोई भेड़िया वाली बात है नहीं, और कुछ नहीं दूसरी कोई। अच्छा आप अखिलेश के साथ क्यों नहीं जाना चाहते बताओ? भाई अखिलेश ना हमारे साथ इससे बुरा और कुछ हो नहीं सकता, जो जाट बिरादरी के साथ इसने कर दिया तेरे में। वो तो कह रहे दंगा जो था भाजपा ने करवाया था, वो जो खाई पैदा करती भाजपा ने, अखिलेश और आजम खान
दो ही आदमी ऐसे थे जिन्होंने दंगा करवाया था, हम मौके पर मौजूद थे, जैसे तैसे करके जान बचा गए थे। अच्छा आप भी मौके पे थे, हुआ क्या था उसके? भाई प्री प्लानिंग, जोड़ी से उल्ली तरफ एक नया गांव पड़ा था, उस बस कई हजार लोगों की भीड़ में हथियारों की आई। जैसे ही हम नहर की पटरी को आ रहे थे तो पटरी को आते आते वो भीड़ एकदम टूट कर पड़ी टोलियों पर, बस जो फंस गया टोली पर से गिर गया वो खड़ा गया, वो उन्होंने ले लिया जो लिकड़ का भाग गया, ठीक है। बाकी जो पीछे से आ रहे थे वे ट्रैक्टर में चढ़ाए, उन्होंने आदमी मारे। तो इसीलिए नाराज है अखिलेश यादव भाई, इससे बुरा और क्या हो सका, भरी जान पापता की और हमें जेल में ठुसवा दिए। मुलायम ने कुछ नहीं दिया, आज लो अखिलेश ने कुछ नहीं दिया, सिवा जाटों को उजाड़ने के, खराब करने के, और कुछ नहीं करा अखिलेश ने ना करने का। फिर दूसरी बात यो रही, देश में भर्ती हो सब यादवों की हो और किसी का नंबर नहीं आता। इसके राज में हर गांव में हर बिरादरी का आदमी पुलिस में उसमें भर्ती में जा रहा, हाँ मोरने में से। अब इससे पहले कोई नहीं था, भाजपा के राज में जो कम से कम 40 लंबे मोरने में जा लिए नौकरी पर। मुलायम ने कुछ नहीं दिया, अखिलेश को नहीं देने का, ये तो अपना अपना चाहते हैं, परिवार जयंत की बात होती है, वो तो आपका अपना है। अपना तो मारा सब होगा, अखिलेश योगी नहीं मारा, योगी नहीं क्या मारा, अखिलेश भी मारा, नहीं है जो तो दुनिया सब रह रहे, सब कोई बिगाड़ना कोई नहीं है। पर भाई जो आदमी सही है उसके लिए रजांगे, योगी लंगोटी तो है योगी, और क्या है, इन्होंने तो बिल्डिंग बना ली और उसमें स्विस बैंक में बैंक भर का घेर दिए। योगी ने क्या कमाया, मोदी ने क्या कमाया, वो तो कह रहे देश बेच दिया, रेल बेच दी, ट्रेन बेच, वो कारण है जो, वो कारण है, मेन कारण यो है जो गवर्नमेंट का सर्वेंट बन गया, वो कह गया मैं गवर्नमेंट का दामाद होगा, काम करना नहीं चाहता, देश का विकास होगा, देश को आमदनी होगी तो देश का विकास होगा, अगर देश को आमदनी नहीं होगी तो देश का विकास नहीं होने का। इतना भ्रष्टाचार है सरकारी नौकरियों, उसमें जो सरकारी अधिकारी अब हैं सब माल को पी रहे, जो योगी के हत्या चढ़ जाए उसका इलाज करते हैं, बाकी बेचना बेचना देश को या रेल बेचना उसकी मजबूरी है, जब कोई काम नहीं करना चाहता। हाँ चोर इतने पड़ गए, अखिलेश ने इन्होंने जो है इतना मामला खराब कर दिया, और गवर्नमेंट कैसे चलेगी जब पैसा नहीं आवा गवर्नमेंट के पास, तो देश विकास कहाँ से होगा। अच्छा ये जो गठबंधन हुआ क्या लग रहा है, इसका फायदा किसको होगा? गठबंधन का, गठबंधन का फायदा किसी को नहीं होने का, योगी को होगा, हाँ और किसी को नहीं होने का, योगी को होगा। कैसे? ऐसे ही होगा भाई, उन्हें तो बुक्का पहले भी चारा था, पहले भी कई बुक्का गठबंधन था, अब कभी गठबंधन कर रहे हैं, जो सी बात कुछ जयंतर या अखिलेश चारे वो होने की नहीं। यहाँ तो हिंदुस्तान है, भीड़ तो तुम कितनी इकट्ठी कर लो कहीं कर लो, पैसे से कहीं से कर लो, पैसे के अलावा तुम एक ड्राम बोतल धर दो शराब, 20 गांव के आदमी इकट्ठे कर लो, हाँ 20 गांव के। तो क्या लग रहा है जो आज भीड़ आई इकट्ठी हो रही वहां से लाइन लग रही है, वो वोट नहीं देने की? नहीं नहीं वोट नहीं देने की, वो सब वोट नहीं देने की, उसमें कम से कम आप मान के चलो 40% 30% वोट देंगे लोग बस। लेकिन पिछली बार भी मीरापुर सीट की बात करी जाए तो हालात खराब थे, यहाँ से जो कैंडिडेट था बहुत कम वोटों से जीतता था पहले भी, वो पहले तो कम वोटों से जीतता था, वो मुंडी कुछ और बात थी, जब इलाके का आदमी था वो तो वो रह गया, अकेला मुसलमान था वो, तो ऐसी बात थी, मतलब इसलिए मतलब भाई रह गया था, भाजपा जीत गई थी, अब कभी भाजपा जीत जाएगी। क्या लग रहा भाई साहब ये जो गठबंधन हुआ, जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं, तो वहाँ पे क्यों नहीं गए आप? भाई हम इसे मैं बताऊँ भाई साहब, मैं कमल वालिया मोरना जिला मुजफ्फरनगर तहसील जानसठ से बोल रहा, गठबंधन नूनिया अगर किसी जाट को जत्ता पर्चा तो गठबंधन था, जब उनके घर में गठबंधन तो वे क्या गठबंधन कर देंगे, वे जो तो कह रहे जाट तो सारे साथ में ले लिए मैंने अपने गठबंधन करके, हम ना की ना जाट साथ में जाने के ना, जाने के ना, जाने के ना, नहीं जाने के, जाट को तीन ही तो पर्चे है 35 में, तीन ही तो पर्चे है भाई, अजीत की घरवाली है जयंत चौधरी और उसकी घरवाली, बाकी बता दो, बाकी तो उसी के कैंडिडेट खड़े सारे, अब वो चेक करना वो है ना रबड़ तल उठा वो जमाना जा रहा है कि कैंडिडेट को टिकट सही नहीं दिया जयंत जी ने, दिक्कत यही है क्या? हाँ यही हो रही, यही है, लग नहीं रहा युवाओं की जोड़ी कमाल करके चली जाएगी ना, पहले भी चली गई थी अब भी चली जाएगी, वे तो पहले भी आए थे 4-5 युवा। क्या लग रहा भाई साहब? स्पष्ट लग रहा है हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी जो योगी जी है उनकी सरकार आएगी, हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री चंद्रमोहन जी, अभी 4-5 दिन पहले उन्होंने मीटिंग रखी थी जो यहाँ पे समिति के लोग हैं उनसे सबसे चर्चा करी थी इसी बारे में कि 12 से 17 साल का भी आपने
कार्यकाल देखा 12-17 का, 17-22 तक का भी देखा, उसको मद्देनजर किसके कार्य सही रहे तो वहाँ कार्य देखे गए, तो कार्य जो सब मापदंड हुआ वो योगी जी का मान निकला। कैसा क्या मान निकला उसमें? एक तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत योगी जी के राज में बची, गुंडागर्दी कम हुई, अभी चिल्लारे के जयंत जी हैं जाटों के पास सम्मानित नेता हैं, सब सम्मान करते हैं जाट उनका, किस वजह से? उन्होंने कुछ नहीं करा, इस वजह से, क्योंकि वे चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं, इस वजह से, बाकी तो विरासत है उनकी, इस वजह से उनका सम्मान है। स्पेशल उन्होंने हमारे किसी जाट के लिए भी नहीं किया, पर वे हमारे जिसने हमारे लिए किया उसके हैं, इसलिए उनका सम्मान है। पर ये नहीं कि पूरे सभी पूरे जाट समाज का बेकूफ बेगल्ले बनावेंगे। मुझे पटनगर में 6 की 6 सीट पे लोकदल लड़ रही, एक ही केवल राजपाल बालियान जी लड़ रहे लोकदल से, तो बाकी सब ये सपा के लड़ रहे, कल को भाग जाएंगे, भगा लिया हमारा भाई जयंत, जयंत जी को तो भगा ही लेना अखिलेश ने, कहना हमारे चाचा का वो ये अखिलेश क्या कलेश ने तो घर में बांट दिया, हमारे जाटो घर में कलेश ही तो बांट दिया भाई। 70% जाट बीजेपी को वोट दे रहा, बीजेपी को नहीं, बीजेपी का बंदा हुआ नहीं है जाट, जाट दे रहा योगी जी के काम को, क्योंकि 13 में जो हमारे साथ घटना घटी, जाट सब कुछ भूल जा पर 100 साल का बदला नहीं भूलता। हमारी बेटी चढ़ी गई, हमारे ही मर गए, मारो भाई मुकदमे लग गए, वो हम कभी जीवन में भूलने के नहीं जो हमारे साथ गलत हुआ। चलिए कुछ और लोग हैं, बातचीत करें, क्या करेंगे जी? साइकिल लेकर जा रहे, क्या लग रहा है साइकिल चलेगी नहीं चलेगी अब? क्या गलत बात, गलत क्वेश्चन है आपका। अखिलेश यादव कह रहे साइकिल चलेगी, क्वेश्चन गलत का, आप भी साइकिल ले रहे वही तो पूछ रहे चलेंगे नहीं चलेगी। पहले चल गई थी, पहले तो नहीं चली थी ना, अब चलने की क्यों उम्मीद नहीं है चलने की? कर्म है ना उनके आदमियों के, सबको अपने अपने कर्मों का हिसाब देना पड़े ना, तो उन्हें अपने कर्म करके उन्हें सही साइकिल चलने लायक। गठबंधन कर लिया जैन जी के साथ में, तो कोई बात नहीं, बका रखा उन्हें, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया? अच्छा, क्या कारण है, क्या काम बढ़िया लगा आपको अखिलेश यादव का? अरे योगी जी का कौन सा काम है जो आप वोट देंगे? 370 आज तक किसी ने हटा दी थी? हटाई किसी ने 370? मंदिर बनवाया किसी ने? राम का नाम कहीं, हिंदुओं का नाम करा कहीं? तो अखिलेश यादव कहे कि इनके पास मुद्दा नहीं है, 370 पे वोट मांग रहे, राम मंदिर पे वोट मांग रहे, हिंदू मुस्लिम पे वोट मांग रहे, विकास पे तो वोट मांगते ही नहीं। विकास क्या कहेंगे और, 370 हटा दी, वो कर दिया, 2 मंदिर भी बना दिए, ठीक कर दिया, और सभी का साथ और सभी का विकास तो लेकर चल रहे हैं। बताओ अभी नाच बांट रहे, किसे नहीं मिल रहा बताओ, हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गए इसमें भाई? सबको ही मिल रहा ना, नाज चावल जो भी है, जितनी भी सुविधा है सारी सभी जातियों को मिल रही करीब करीब, हिंदू तो इतने ले भी नहीं रहे होंगे, मैं खुद नहीं राशन लेता, बाकी तो मिल रहे ना सबको, तो ये नहीं है। उन्होंने ठीक करा काम, जो भी चल रहा उनका सही प्रोग्राम चल रहा, देश के लिए लड़ रहे, अपना देश के लिए कर रहे हैं। क्या है क्या लग रहा है जो 2022 का चुनाव है, किस मुद्दे पर चुनाव होने वाला है? अब की बार मुद्दा क्या है चुनाव? मुद्दा तो विकास का ही रहेगा ना, विकास किया इन्होंने, सड़कें ठीक कर दी, सब काम ठीक करे इन्होंने, बताओ। अच्छा मीरापुर की बात करी जाए, दोनों तरफ से गुज्जर लड़ रहे हैं, प्रशांत एक प्रशांत चौधरी है, उधर से चंदन सिंह चौहान है, तो माहौल यहाँ पे क्या लग रहा है? क्योंकि कह रहे हैं कि कैंडिडेट बाहर से लाके खड़ा कर दिया, कुछ लोगों ने विरोध भी करा था। वोट तो बीजेपी को दे रहे हैं ना लोग, वोट दे वो तो बीजेपी को जा रही है ना, वोट योगी को है, विधायक को नहीं। हाँ यस, सही कह रहे हैं आप। क्या लग रहा था वो बड़े नाराज से खड़े? नाराज से नहीं होंगे, हम तो खुश हैं, हम तो जितने हमारे सारे भाई हैं ये सब भाजपा के हैं। क्यों? बस यही बात है, और हम कह नहीं सकते। क्यों हो भाजपा के, क्या काम हो गया ऐसा? बताओ, सारे काम ठीक कर रहा वो, बताओ क्या कर रहे? इसमें क्या कमी रह गई थी? वो तो उसके पिछले कारनामे ही अब लेकर डूब गए, पिछले कारनामे लेकर डूब गए। तो क्या बताओ, सुधर गए हो? मौका नहीं दोगे अब? क्या बताओ, सही हो गए हो? नहीं अभी सही नहीं होने के ना। क्या लग रहा भाई साहब, क्या होगा मीरापुर में? मीरापुर में बाबा की सरकार आवेगी भाई, किसान है ना महंगाई को झेल लेगा, महंगाई को झेल लेगा, असुरक्षा को नहीं झेल लेगा। असुरक्षा इतनी थी कि लोगों को है ना, किसानों को एक में बांध लेते, जेब टिटोल लेते यहाँ। मैं तो मानता नहीं, यहाँ मेरे बड़े बैठे 5 साल हो गए, एक भी केस ऐसा हुआ कि भाई किसान को किसी ने कुछ कह दिया हो। दिन में पूरे दिन बिजली चलो, किसानों के लिए क्या नहीं करा, दिन में बिजली चल रही किसानों के लिए, दिन में बिजली आती है, सुबह को 7 बजे से 10 घंटे बिजली आ रही ट्यूबवेलों पर, रात को नहीं जाना पड़ रहा ट्यूबवेल पर किसी भी किसान को। रही उसकी बात, ट्रांसफार्मर फूक जाते पहले,
ट्रांसफार्म फूक गए तो खेत सूख गए, मारे जनरेटर चलाए हम ना, मारे घरों में जितना जनरेटर ले रखा था ना, उन पर जड़ लग गए, वे बेच दिए कबाड़ियों को बिके हुए जनरेटर, फोन पर आ जा ट्रांसफार्म तो विकास को वोट है, यहाँ सुरक्षा को वोट है, यहाँ विकास और क्या चाह, और क्या चाह भाई, हमारा गन्ना 600-700 रुपए कुंटल हो गया और हम सुरक्षित नहीं है, क्या होगा? हम 5-स्टार होटल में खाना खा रहे, बाहर बदमाश बैठे खा तो रहे हम खाना 5-स्टार में, बाहर बदमाश बैठे पनीर चला जाएगा हमारे भीतर, पता लग गया बाहर बदमाश बैठे चला जाएगा हमारे भीतर, सुरक्षा है और हम नमक की रोटी खा रहे तो वो भी शरीर को लगेगी, मेन बात क्या है, मेन बात है हम सुरक्षित हैं, सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा था, अखिलेश यादव तो लुका देता, सुरक्षित तो मैं कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता, सपने की चीज थी सुरक्षा, जो इन्होंने हम दी सुरक्षा, तो हम इन्हें वोट क्यों ना दे, हम देंगे कैंडिडेट को नहीं वोट दे रहे, हम दे रहे बाबा को वोट, बाबा ने स्पष्ट कह दिया, वो कहना ना हमारी खाल में भूस भर देंगे, वो नु कह दिया बाबा ना, 24 घंटे लगेंगे, 25वां घंटा लगन नहीं देने का, गर्मी को शांत शिमला बना दूं मैं, आसी कि ना कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, वो मुख्यमंत्री है, वे कुछ भी बोल ले, मारी खाल में भूस भरन लग रहे, अरे बाबा ना मारी फिर वो कर दी, मारे लिए बोल रहा बाबा, मारी खाल में भूस भरन लग रहे बाबा, मारे लिए बोल रहा वो भी गलत, मुख्यमंत्री मारा हो मारे लिए है वो, सुरक्षा उन्नो हम दी, सुरक्षित हम बनाए, अन्य यो कराड़े का रास्ता दिन छिपतो ही पिटक रहता, दिन छिपतो ही ये बैठे बाबा जी, सुन तो लो यहाँ से मोरना पीठ भरते पीठ, बेचारे पिठियारे आम होते सब्जी बेचते थे, 1000-2000 रुपए की उन्होंने सब्जी बेच दी, कराड़े से बाहर निकले, वहीं से बदमाशों ने उसको बांध दिए उसमें इक्को में और वहीं पैसे छीन लिए, मैं नहीं मानता, इतने से बच्चे को लेकर भेज दो 10 लाख रुपए, उसका कुछ हो जा, तो सुरक्षा को वोट है जी, मैं हिंद मजदूर किसान समिति से जुड़ा हूं। क्या लग रहा है, कुछ बदल गया 4.5 साल में? हाँ बदल गया। क्या बदल गया है? बहुत बदल गया, ढेर बदल गया, राहुल ने तो वो हालत करवाई जो लड़की स्कूल में आई, उनके गादलों पर काटा ना बदमाश, ना उन्होंने गादलों पर काटा, उनके गाल पर काट कर भाग गए। हाँ तो माहौल किसका दिखाई दे रहा है? माहौल फूल निकले ना, हाँ निकले धरा फूल, अरे फूल तो कहीं है ही नहीं अब क्या? हाँ है नहीं, फूल तो धरा ही सी, अरे फूल तो धरा ही सी भाई। हाँ